हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में जो है वो मैं दो तीन टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो है वो इन चीज़ों में कंफ्यूज हैं। तो होप आपको जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से। जो आपके दो तीन क्वेश्चन हमारे साथियों ने किए हैं, होप मैं उनका आंसर जो है वो कर पाऊँ। तो थोड़ी सी हवा आ रही है इधर उधर से, अगर उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करना और वीडियो को देखना एंड तक, आपको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो गाइज, हमारे साथी का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम जो है वो वर्क वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, टीयर टू वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, तो क्या हम इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं? आप जो है वो कमेंट भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे जो हमारे भाई ने जो पूछा है। तो गाइज, उसका मैं आंसर आपको करता हूँ कि बिल्कुल हाँ, आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया छोड़ के आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसके साथ ऐड करता चलूँ कि कितने दिन, जो मेन क्वेश्चन होगा वो ये होना चाहिए कि कितने दिन आप जो है वो आउटर यूके जो है वो स्टे कर सकते हैं। ये जो है मेरे को लगता है परफेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी ये दूसरा जो क्वेश्चन में क्वेश्चन निकला है, उसका आंसर भाई ये है कि अगर आप यूके में रहते हो, टीयर टू वीज़ा के ऊपर काम करते हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप जो है 180 डेज से ज़्यादा एक साल में जो है वो यूके के बाहर नहीं रह सकते, अगर आपने जो है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप 180 डेज से ज़्यादा बाहर रहते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। सो एक रेस्ट्रिक्शन ये है। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, आप जो है वो स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो कि हाउ मेनी डेज वी कैन स्टे आउटर इंग्लैंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज और एनीथिंग, या टीयर टू वीज़ा, एनीथिंग यू कैन राइट, यू विल गेट द राइट आंसर या ऑन द यूके गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ये आपका जो है वो आंसर आपको मिल गया है। और इसका दो तीन चीज़ें मैं और आपको बता दूं क्या फ़ायदा हो सकता है। तो गाइज, जब आप यूके में छुट्टियां करते हो तो उनके आपको पेड पैसे मिलते हैं, जैसा इंडिया में होता है। इंडियन आर्मी के जो जवान जो है वो छुट्टी के लिए घर आते हैं तो उनको क्या होता है, उनकी छुट्टियों के पेड पैसे मिलते हैं। तो वैसा सेम रूल यहाँ पर होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो, टीयर टू वीज़ा के ऊपर हो, फुल टाइम वर्कर हो, तो आपको जो है वो 28 डेज़ की जो है वो छुट्टियां होती हैं जो आप कहीं पे भी जाके इंजॉय कर सकते हैं। 28 डेज़ का मतलब ये नहीं कि आपकी जो छुट्टियां हैं वो ऐसी होंगी कि लाइक एक मंथ आपने छुट्टियां स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल एक तारीख को स्टार्ट की और 28 तारीख तक आपकी छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो गई। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि जो है वो मान लो एक वीक में आप जो है वो 4 दिन काम कर रहे हो, है ना, 4 आपकी छुट्टियाँ वैसे हैं, जो आपकी नेचुरल छुट्टियां हम बोल सकते हैं, सरकारी छुट्टियां जिसे हम बोल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो करते ही करते हैं। क्योंकि मान लो 4 दिन आप काम कर रहे हो, 4 छुट्टियां आपकी वैसे हैं, तो अगर आप 4 छुट्टियां लेते हो तो आपको 8 छुट्टियां बनती हैं टोटल। तो अगर आप 20 छुट्टियां लोगे तो आपकी 40 छुट्टियां हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये आपको गैस से आए, इससे आप अगर 30 छुट्टियां लोगे तो आपके जो है वो 60 छुट्टियां हो जाएंगी, जिसमें आप कहीं पे भी जाके ट्रैवल कर सकते हो। एक साल में आप 2 बार इंडिया जा सकते हो, एक मंथ की हॉलीडे के ऊपर। उससे आपको क्या है, हॉलीडे भी पेड मिलेंगी और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, सिर्फ आपको जो है वो टिकट का खर्चा उठाना पड़ेगा और कोई खर्चा आपको नहीं उठाना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे भाई का है कि हमने टीयर टू वीज़ा नहीं लेना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे लिए पीआर के लिए? स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि भाई का क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो गाइज, आप ले सकते हो। देखो, घूम फिर के आपको टीयर टू वीज़ा के ऊपर ही आना पड़ेगा। पहली बात तो है कि आप 1 करोड़ रुपया शो करो तो आप जो है वो बिजनेस वीज़ा के ऊपर इधर आ सकते हो, है ना, उसके थ्रू आप 5 साल के बाद पीआर ले सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप जो है वो यहाँ से ब्रिटिश जो हो, जिसके पास पासपोर्ट हो, उसके साथ मैरिज कर लो तो भी आपको जो है वो यहाँ पे पीआर मिल सकती है। तो ये 2-3 तरीके इस चीज़ के होंगे। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप अपने खुद के दम पे सारा कुछ करना चाहती हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है वो स्पॉन्सर ले लो। मेरे को लगता है ये बेस्ट तरीका है। और गाइस, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे भाई का, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं,
कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द स्टडी, जिसका मैं ढिंडोरा पीटता रहता हूँ कि आप जो है वो ड्यूरिंग द स्टडी वीज़ा स्विच कर सकते हो, तो ड्यूरिंग द स्टडी अगर आप अपना वीज़ा स्विच करते हो तो क्या आप जो है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो? इसकी आपको परमिशन है? जी हाँ बिल्कुल, आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, किसी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी आपको जो है वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने काम और स्टडी कैसे मैनेज करनी है। आप अपने एम्प्लॉय को बता सकते हो कि मैं इतने इतने आवर जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, तो आपका रोटा वो जो है उसी अकॉर्डिंग सेट कर देंगी और आपको जो है वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अपनी स्टडी करने में, और आप जो अपनी स्टडी वो भी इजीली जो है वो कर पाओगे। तो ये मेरे को लगता है आपके जो क्वेश्चन थे 2-3-4 उनके मैंने आंसर कर दिए हैं। होप आप जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो हो चुके होंगे इन आंसर से। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर बना के डाल दी हैं, अगर आप जाके वो वीडियोस देख लेते हो तो आपके 80-90% डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि यूके की लाइफ कैसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।